नींबू रखे हैं? नींबू ना, नींबू नहीं, मिर्चा है। तो ठीक है, हम आपको मजबूरी नहीं कर रहे हैं, आपका हिसाब से जो हो सकता है लगा दें। क्या नाम है बाबू? पप्पू कुमार। पप्पू बताओ कि आप सब कहाँ पे घर है आपका? धुंधी बाग में रहते हैं। धुंधी बाग से यहाँ पे आए हो, कितना परेशानी उठाना पड़ा आपको, कितना परेशानी हुआ आने में? हम नहीं आए, मेरा भैया बोला कि यहाँ पर, हम आ रहे उधर से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो। तो तुम कोरोना वायरस के बारे में जानते हो कुछ? क्या है जानकारी है इस बीमारी के बारे में? क्या बीमारी है? सांस लेने तकलीफ होता है, सांस लेने तकलीफ होता है, अब बुखार लगता है, खांसी है, सर्दी। इससे बचने के लिए क्या क्या करना है? मुंह में रुमाल बांध कर रखिए और हाथ, खाने से पहले हाथ धोना, बिसल हमेशा हाथ धोना है, खाने से पहले नहीं, हमेशा हम एक एक घंटे दो दो घंटे पे धोना है। ठीक है, पढ़ते हो? किस क्लास में हो? 5 क्लास। कौन से स्कूल में? रक्षित में विद्यालय स्कूल तुसी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भीखम साहब, धुंधी बाग बाजार। भीखम भैया ये बताइए, भीखम साहब, कि आप लोग जो 5 लाइब्रेरी मैदान में, पुस्तकालय मैदान में, हटिया का जो दुकान लगा है, जी जी वगैरह का, इसमें आप लोगों को कितना परेशानी आ रहा है, क्या क्या दिक्कत? परेशानी के लिए बहुत सी परेशानी आ रहा है। हम लोग धुंधी बाग बाजार में हाट में लगा रहे थे, प्रशासन ने हम लोग आगाह किए कि आप लोग दूरी बनाकर बेचना है, लेकिन वहाँ पर कुछ आदमी ने गैदरिंग कस्टमर ने कर दिए, उसका कारण से हम इस मैदान में हम लोग आए हुए हैं और प्रशासन के जरिए हम लोग आए हुए हैं। आयाकर प्रशासन ने बोली है कि सुबह 6 बजे से लेकर 4 बजे तक ले आप लोग दुकान लगाइएगा, उसके बाद दुकान को बंद कर दीजिएगा। आप लोग अपने अपने सुरक्षा से जाना है और सुरक्षा से सामान को बिक्री करना है, किसी का आँख को संगे गिदरिंग नहीं करना है और ग्राहक से मैंने कोई प्रकार का दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जिला प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या क्या सुविधा मिला? हम लोग को अभी तक ले तो कोई जिला प्रशासन के ऐसी तरफ से तो अभी तक ले कुछ मिला नहीं है। जैसा कि बोला गया है कि सैनिटाइज रखना है, सैनिटाइज आप लोगों को दिया जाएगा, मास्क का वितरण हो या किसी भी तरीके? अभी तक ले तो हम लोग अपने से मास्क खरीद कर 30 रुपया, 40 रुपया या 25 रुपया में जहाँ जिस रेट में मिलता है, अपने सुरक्षा के लिए हम लोग खरीद कर मतलब और पहनते हैं। हम लोग सैनिटाइज वगैरह का कोई सुविधा, हम लोग अभी तक पानी वगैरह का कुछ नहीं, अभी पीने वगैरह का कोई सुविधा, चूँकि इतना बड़ा फील्ड है इसमें कहीं कुछ नहीं। एक वो टैंकर सहित आया हुआ है, हाँ, एक टैंकर आया हुआ है, वहीं से हम लोग थोड़ा थोड़ा मांगा कर हम लोग पीते हैं और पीकर हम लोग अपने ज़िंदगी का पोषण पालन कर रहे हैं। आगे चल के क्या होगा नहीं होगा, अब मान लीजिए प्रशासन के हाथ में है, जिस तरीके से प्रशासन कहेगी उस तरीके से हम लोग करेंगे, हम लोग इस पर तत्पर हैं। ठीक, धन्यवाद। हरेंद्र जी, ये बताइए कि अभी आप लोग जो सब्जी की दुकानें लगा रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को क्या क्या परेशानियां और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी यही है, थोड़ा धूप लग रहा है, पानी होने का दिक्कत है, और क्या ये सब ने बताया। सरकार के तरफ से आप लोगों को क्या क्या व्यवस्था किया गया है? सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई? अपना 5-1 फीट के अंदर में दुकान लगाना है, ग्राहक से हाथ में पैसा नहीं लेना है, पैसा ग्राहक को सामान बढ़ाइए, सामान 1 फीट का, ग्राहक 1 फीट के अलग रहेंगे। तो जिला प्रशासन की तरफ से सुविधा क्या क्या मिला आप लोगों को? सैनिटाइज वगैरह का कोई सुविधा मिला है क्या? हाँ, मुंह में थी लगाना है।
मैंने तो वो दिया गया लगाना है सरकार के तरफ से दिया गया है या आप अपने खरीदे? हम लोग अपने खरीदे हैं। हाथ में जो लगाने के लिए दिया जा रहा है वो सब कल बोले हैं साहब लोग अपना अपना लगा कर आइएगा। अच्छा मतलब सरकार के तरफ से कोई नहीं है? जी ठीक है सर। भटिया में आप लोग दुकान लगा रहे हैं, सब्जी का दुकान लगा रहे हैं, आप लोगों को किस किस तरीके का दिक्कत आ रहा है, क्या क्या परेशानियां आ रही है? परेशानी आ रहा है घर में खून सुखाना पड़ रहा, पैसा तो पूरा जिंदगी कमाना है, बहुत दिक्कत है, घाम है, पानी से पानी की भी दिक्कत है, सब्जी उसी तरह महंगा खा जा रही है। सरकार के तरफ से या जिला प्रशासन के तरफ से आप लोगों को क्या क्या सुविधा मिला? कुछ नहीं सुविधा मिला, सैनिटाइज के लिए, मास्क के लिए, वो मास्क तो अपना पैसा से किन के लगाया जा रहा, सैनिटाइज के लिए कुछ की नहीं मदद। दूरी कितना कितना मेंटेन करा रहे हैं आप लोगों से? दूरी है 1.5 फीट 2 फीट। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अजय कुमार साहब।